वेलकम टू एसेंस ऑफ फूड। आज हम बनाने जा रहे हैं सॉफ्ट एंड यमी इडली, साउथ इंडियन नाश्ता फेवरेट। इडली बनाने के लिए आपको चाहिए 4 कप इडली रवा, 1 कप उड़द दाल, बेकिंग सोडा आधा टीस्पून, यीस्ट जो कि ऑप्शनल है, नमक 3 टीस्पून या आप आपके टेस्ट के हिसाब से। एक मेजरिंग कप लीजिए या फिर ग्लास, जिसमें भी आप मेजर करते हैं आप उसके हिसाब से 4 कप आप डाल दीजिए इडली रवा के। उसके बाद में वही सेम मेजरिंग कप आप लेकर 1 कप आप उड़द दाल डाल के रखिए। डालने के बाद में दोनों को पानी में कुछ देर के लिए सोक कर दें, तकरीबन 15 से 20 मिनट या आधा घंटा। और जब ये उड़द दाल अच्छे से सोक हो जाए पूरी, तो उसे ग्राइंड कर लीजिए। अच्छे से ग्राइंड करने के बाद में उसे बोल के अंदर एक निकाल लीजिए। याद रखें, हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें @essence.of.food। और अभी आप इसके अंदर इडली रवा डाल दीजिए, उड़द दाल जो हमने पीसी थी उसके अंदर आप सारा इडली रवा डाल दीजिए जो कि सोक्ड है। उड़द दाल और इडली रवा के मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद में आप इसके अंदर 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल दीजिए और तकरीबन 3 टीस्पून नमक और साथ ही साथ 1 टीस्पून यीस्ट डालिए। ये यीस्ट का जो स्टेप है ये बिल्कुल टोटली ऑप्शनल है। ये आप अपनी, अगर आपको क्विकली फर्मेंट करना है, मतलब अगर आपको पास टाइम नहीं है, आपको घंटे 2 घंटे में आपको अगर इडली बनानी है तो आप यीस्ट का इस्तेमाल कीजिए। वरना नॉर्मल जो प्रोसेस है उसके अंदर आपको ओवरनाइट ये सील करके पैक करके छोड़ देना पड़ेगा आपको फर्मेंटेशन के लिए। अभी आप 2 घंटे के लिए इसे कवर करके रख दें। जैसे कि मैंने कहा था, ओवरनाइट आपको रखना है अगर आप यीस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जब अच्छे से ये फर्मेंट हो जाए तो इसे फिर से दोबारा मिक्स कर लीजिए। देखिए आप किस तरह से ये आटा फूल कर रेडी हो चुका है। अभी आप इसके अंदर तकरीबन 2 टीस्पून तेल डालिए। आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें @essence.of.food पर। तेल डालने के बाद में इसे अच्छे से फिर से दोबारा मिक्स कर लीजिए। अभी आप इडली कुकर में से इडली के ट्रेस लेकर आप उसके अंदर तेल ब्रश कर दें, या फिर आप तेल ब्रश कर सकते हैं या फिर जो होटल में बनाते हैं एक कपड़ा रख देते हैं, वो गीला कपड़ा रख कर उसके ऊपर इडली डालते हैं। अभी आप इसे पूरे सारे के सारे इडली कुकर के ये इसके अंदर आप अच्छे से बैटर को डाल दीजिए ट्रे में। सेम स्टेप आप बाकी सारे ट्रेस के साथ कीजिए। देखिए यार, आपके कमेंट्स हमें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो याद रखें कमेंट्स छोड़ना ना भूलें। अभी बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालिए। देखिए आपको बिल्कुल अंदाजे के हिसाब से आपको डालना है। लेस देन 1/2 कप आप पानी इसके अंदर डालिए। ज़्यादा पानी डालने पे इडली आपकी पानी जब बॉयल होगा तो नीचे की ट्रे की इडली खराब हो जाएगी। अभी आप कुकर को अच्छे से, इडली कुकर को क्लोज करके मीडियम की हीट के ऊपर 15 मिनट के लिए अच्छे से पका लें। आप देखिए किस तरह से इडली मॉइस्ट एंड सॉफ्ट हमारी रेडी हो चुकी है। आप अभी ट्रे को आप एक स्पून लेकर, एक चमचा लेकर आप इसे
इडली को आप निकाल के बोल के अंदर डाल लीजिए। हमें कमेंट्स में बताइएगा जरूर हमारा ये क्विक और इजी तरीका इडली बनाने का आपको कैसा लगा। देखिए फर्मेंटेशन के जो स्टेप है इडली के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है, उससे आपकी इडली में फ्लेवर आता है। इसीलिए आप हमने यीस्ट का इस्तेमाल किया है क्विक फर्मेंटेशन के लिए। हम आपको स्टेप्स बताना चाह रहे थे ये, वरना हम यूजुअली ओवरनाइट फर्मेंट करते हैं। हम अभी आप इसे प्लेट करिए, प्लेट करने के बाद में सांभर और चटनी के साथ सर्व कीजिए। हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें essence.of.food पर, और हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। देखिए किस तरह की सॉफ्ट और लजीज इडली ये बनकर रेडी हो चुकी है। एंजॉय कीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट पढ़कर हमें काफी खुशी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।